मुरादाबाद के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में सुबह डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और पहुंचे लोगों ने रक्तदान करते हुए शपथ बोर्ड पर हस्ताक्षर भी किए। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में इस रक्तदान शिविर के उद्घाटन के अवसर पर सीएमएस डॉक्टर एनके गुप्ता, एडिशनल सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर बेनवाल, डॉक्टर शफी सहित बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के चिकित्सक मौजूद रहे। सीएमएस डॉक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि इस शिविर में जिला अस्पताल के अधिकतर डॉक्टर स्टाफ अपना रक्तदान कर शपथ ले रहे हैं कि सभी को रक्तदान करने के लिए जागरूक करेंगे, जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। इस मौके पर बड़े निर्यातकों, व्यापारियों व कारोबारियों, समाज सेवकों द्वारा रक्तदान किया गया। इस मौके पर संतोष कुमार, सलाम, सैफ सहित अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुगलपुरा क्षेत्र लालबाग के समाजसेवी चेतन प्रजापति व उनकी पत्नी किरण प्रजापति ने भी बीमार जरूरतमंदों के लिए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना रक्तदान किया। इतना ही नहीं, इस रक्तदान शिविर में सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी भी पहुंचे और शपथ बोर्ड पर हस्ताक्षर करते हुए अपना रक्तदान किया। गौरतलब है कि शाम तक इस रक्तदान शिविर में लगभग 100 से अधिक डॉक्टर, समाजसेवी, अधिकारी व कारोबारी ने पहुंचकर अपना रक्तदान किया। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स इस शिविर को सफलता के रूप में मान रहे हैं। मुझे लगभग 20-25 साल हो गए रक्तदान करते हुए और ये मेरा 30वीं बार है, 30वीं बार मैंने रक्तदान किया था। ठीक, आज ब्लड डोनर्स डे है, उसमें अमर उजाला की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें ईडीएम प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स हैं बेजवाल साहब और भी कई डॉक्टर्स आने वाले हैं, वो सब ब्लड डोनेट करेंगे। बाकी जनरल पब्लिक के भी काफ़ी 7-8 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और लोग आ रहे हैं लगातार।